बोल श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोल श्री सतगुरु महाराज की। प्राणधार आत्मसंबंधी सुंदर साज, कल की चर्चा में हमने श्री देवचंद्र जी के खोज के प्रसंग को सुना कि किस तरह अपनी आत्मस्वरूप की पहचान और परमात्मा की पहचान की खोज के लिए घर से निकले हैं, कैसे भिन्न भिन्न संप्रदायों में जाते हैं, उनके सिद्धांतों को सुनते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, भिन्न भिन्न गुरुओं को धारण करते हैं और उसके बाद भी शांति नहीं मिलती है, संतुष्टि नहीं मिलती है, तो अपनी खोज की प्रक्रिया में निरंतर आगे बढ़ते हैं। और इसी क्रम में कैसे हरिदास जी के पास पहुँचे हैं और किस प्रकार हरिदास जी की वो सेवा करते हैं और उनकी सेवा भावना को देखकर कैसे देवचंद्र जी को दीक्षा दी जाती है, किस प्रकार दीक्षा का और विवाह का दोनों का एक ही दिन निश्चित हुआ रहता है और कैसे विवाद की स्थिति पैदा होती है, वहाँ तक की भी तक हमने कल सुनी थी। अब आगे महामती श्री लालदास जी कह रहे हैं, सखी भाव होए भजियो उपदेश करके एह, विदा दई तीन घर को देखा मतु महते तेह, देखा मतु महते तेह, भद्र भेष देख के करने लगे शोर। श्री देवचंद्र जी का भद्र भेष है। भद्र भेष का तात्पर्य क्या है? राधा वल्लभी संप्रदाय में जैसा कि कल भी हमने सुना, दीक्षा लेने के लिए, नाम सुमिरन लेने के लिए मुंडन करना पड़ता था, बाल मुंडवाना पड़ता था और देवचंद्र जी ने वही किया था। अब पिताजी ने देखा कि जिस सिर पर विवाह की पाग सजनी है, जिसको पगड़ी कहा जाता है ना, विवाह की पगड़ी सजनी है, वही सिर यदि मुंडन किया हुआ दिखाई पड़े तो उनको बुरा लगना स्वाभाविक था, गुस्सा आना स्वाभाविक ही था। तो उनकी ऐसी वेशभूषा को देखकर मतु मेहता जी गुस्सा करने लग गए, शोर करने लग गए, डांटने लग गए कि ये कैसा काम किया है तुमने, कहाँ तो आज के दिन श्रृंगार करना चाहिए था और कहाँ तुम वैरागी वेश धारण करके आए हो। रोए पीट दुख पाए के खीज डराए कहे सुकन, रो करके नाराजगी दिखा करके धमका करके देवचंद्र जी को डांटा जाता है। तो देवचंद्र जी कहते हैं कि आप क्या चाहते हो, मेरी शादी ही तो कराना चाहते हो ना, मुझे जिससे शादी करनी थी, जिसके साथ विवाह करना था, उसके साथ तो मेरा विवाह हो चुका है, अर्थात मेरी आत्मा की शादी करनी थी, मैंने वो भगवान के साथ कर लिया है। अगर आपको इस शरीर का विवाह कराना है, इस पर आपका अधिकार है, कोई बात नहीं, आप करवा दीजिए। अब ऐसी अवस्था में, ऐसी खटपट की झगड़े की अवस्था में जैसे तैसे विवाह को निपटाया जाता है कि चलो तैयार हुआ है। कह रहे हैं, ऐसे में व्याह हुआ खटपट नित होई, श्री देवचंद्र जी हरिदास जी की सेवा करत है सोई। अब ऐसे में विवाह हुआ है, ऐसी परिस्थिति में अनमने तरीके से, तो इसलिए घर में खटपट रहना स्वाभाविक है। खटपट रहने का तात्पर्य क्या है कि उनका मन घर में लगता नहीं था, बीच बीच में किसी न किसी बात पर कहा सुनी लगी ही रहती थी। अब देवचंद्र जी का मन घर में लगता ही नहीं है,
उनका मन लगता है सेवा में, उनका मन लगता है भजन भक्ति में। इसलिए वे अपने घर में केवल एक प्रहर तक रहते हैं, एक प्रहर मतलब 3 घंटे ही घर पर रहते हैं। रात के 12 बजे के आसपास घर आते हैं और सुबह 3 बजे ही घर से निकलकर चले जाते हैं, और घर से जाकर के जब तक उजाला नहीं हो जाता तब तक वे हरिदास जी के घर की परिक्रमा करते थे। क्या सोच करके? क्योंकि घर के अंदर ही मंदिर, और मंदिर में बांके बिहारी और बाल मुकुंद जी की सेवा पधरा रखी थी, तो भगवान की परिक्रमा समझ करके वे हरिदास जी के घर की ही परिक्रमा प्रतिदिन लगाया करते थे। अब एक दिन क्या हुआ कि जैसे लघु शंका के लिए रात को उठना पड़ता है, हरिदास जी उठे, झरोखे में आते हैं, झरोखा मतलब बरामदा, दूसरे मंजिल के बरामदे पर आते हैं तो देखते हैं कि घर के चारों तरफ कोई व्यक्ति टहल रहा है। अब हरिदास जी को पता नहीं कि कौन है, उन्होंने आवाज लगाई कि कौन है, कौन घूम रहा है मेरे घर के पास में और क्यों घूम रहा है, क्या काम है? देवचंद्र जी आवाज देते हैं कि गुरुदेव मैं हूं, मैं देवचंद्र। अब उन्होंने पूछा कि क्यों आए हो? देवचंद्र जी क्या कहते हैं कि गुरुदेव मुझे समय का आभास नहीं रहा, मुझे लगा कि प्रातः काल हो गया है, सवेरा हो गया है, इसलिए मैं आ गया, मुझे लगा कि अब सूर्योदय तो होने ही वाला है, इसलिए मैं आपके पास आया। यहां पर श्री लालदास जी एक बहुत सुंदर बात कहते हैं कि सेवा करे न जना वहीं, अपनी आत्म के कारण दिखावे नहीं काहू को, समझावे अपना मन। सेवा करे न जना वहीं, अपनी आत्म के कारण, कि जो देवचंद्र जी सेवा कर रहे थे, भक्ति परिक्रमा कर रहे थे, उसका वो दिखावा नहीं करते, दिखाने के लिए भक्ति, दिखाने के लिए सेवा नहीं करते, वो किसके लिए करते हैं? अपनी आत्मा के लिए। देखिए, संसार कर्म प्रधान है, जिस प्रकार का एफर्ट किया जाता है, प्रयास किया जाता है, उसी प्रकार का परिणाम भी, रिजल्ट भी मिलता है। लेकिन सेवा जब आप कर रहे हो, सेवा का भी परिणाम तो मिलना ही है, लेकिन सामान्य हिसाब से लोग 3 प्रकार से सेवा करते हैं। पहला, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, जैसा कि देवचंद्र जी कर रहे हैं। दूसरी सेवा, समाज में प्रतिष्ठित होने के लिए, जैसा कि अमूमन लोग किया करते हैं। और तीसरा, किसी दूसरे व्यक्ति को नीचा दिखाने के लिए। सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 प्रकार की सेवा होती है। अपनी आत्मा के लिए सेवा यदि किसी को करनी हो तो देवचंद्र जी की तरह ही करनी चाहिए। अभी 3-4 दिन पहले मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, वो किसी को समझा रहे थे अपने गांव में कि आजकल के लोग दान धर्म नहीं करते, सेवा नहीं करते। तो उनसे पूछा गया कि बाबूजी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं दान देते हुए। तो उन्होंने क्या कहा, वो बुजुर्ग थे, मेरे ख्याल से 80 साल से ऊपर की उम्र उनकी आयु होगी, वो कहते हैं कि देखिए, दान अथवा सेवा तो उसे कहा जाए कि दाएं हाथ से दान करें तो बाएं हाथ को भी पता ना चले। कहने का भाव क्या है कि किसी को बता करके दान नहीं देना चाहिए। और आजकल तो मैंने 3-4 साल पुराना एक फेसबुक पे पोस्ट देखा था, हॉस्पिटल पे 5-6 लोग गए होते हैं, 5 लोग मिलकर के एक बीमार व्यक्ति को 1 केला दे रहे हैं और उसकी भी फोटो क्लिक करके सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। एक जमाना था जब कहा जाता था नेकी कर और किसमें डाल,
दरिया में डाल, नेकी कर और दरिया में डाल। इसका मतलब ये कि आप अच्छाई करो और भूल जाओ कि आपने किसी का भला किया है, किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो पहले कहते थे नेकी कर और दरिया में डाल, आजकल कहा जाता है कुछ भी कर फेसबुक पे डाल। आज छोटी सी छोटी सेवा भी होती है तो हम उसका क्रेडिट लेना चाहते हैं, उससे प्रशंसा लेना चाहते हैं। और देवचंद्र जी हम सबको सिखा रहे हैं कि सेवा करे न जनाब ही अपने आत्म के कारण। देखिए, आपने जो प्रयास किया है उसका परिणाम मिलता है, पर वो आप किस फॉर्म में लेना चाहते हैं, किस रूप में लेना चाहते हैं, वो आपको तय करना होता है। यदि आपने अपनी आत्मा के लिए किया है तो उसका भी लाभ आपको मिलेगा, यदि आप संसार में प्रतिष्ठा भी लेना चाहते हैं तो वो भी लाभ आपको मिलेगा। बहुत सारे ऐसे सेवा करने वाले सुंदर साथ को मैं जानता हूँ, देखता हूँ कि उनके मन में ये दिली ख्वाहिश होती है, इच्छा होती है कि हमारी सेवा को अनाउंस किया जाए, हमारी सेवा को संगमरमर पे टाइल पे खुदवा करके लगाया जाए, हमारी सेवा को लोग जाने, पत्रिका में दिया जाए, करते हैं। और ऐसे लोगों की सेवा को दुनिया जानती भी है कि नहीं? आप भी कई लोगों की सेवा को जानते होंगे, कई लोगों का अनाउंसमेंट सुनते होंगे। अच्छा, जो अनाउंसमेंट वगैरह किए जाते हैं उसको आप लोग 100% मत लेना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कई सुंदर साथ अपना नाम नहीं देना चाहते हैं, पर अनाउंसमेंट करने वाले सुंदर साथ का भाव होता है कि यदि हम इनके सेवा के विषय में बताएंगे तो क्या पता दूसरे लोग भी सेवा के लिए प्रेरित हों। तो मोटिवेशन के लिए, दूसरे लोगों को इंस्पायर करने के लिए भी कई लोगों का नाम अनाउंस किया जाता है, पर बहुत सारे सुंदर साथ ऐसे हैं जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, और वे सुंदर साथ आर्थिक रूप से भी लाखों का सहयोग देते हैं। एक साल के अंदर अंदर 50-50 लाख की सेवा देते हैं और नियमित रूप से देते हैं, लेकिन उस सेवा के बारे में शायद पूरे समाज में जिनके पास सेवा पहुंचती है वो जानते हैं, या फिर राज्य जानते हैं, उसके अलावा और कोई नहीं जानता है, और अपना नाम बताने के लिए सख्ताई से मना करते हैं। कई सुंदर साथ ऐसे हैं जो अपने दैनिक खर्चे में से, अपने दैनिक व्यय में से बचा बचा करके, कटौती, खर्चे की कटौती कर करके सेवा देते हैं, और वे भी अपनी सेवा को गुप्त रखते हैं। तो हमें भी सेवा कैसे करनी चाहिए? दिखाने के लिए नहीं, हमें जो अपनी सेवा है वो देवचंद्र जी की तरह करनी चाहिए। और पहली सेवा के बारे में तो आप समझ गए, दूसरी सेवा भी आप समझ पा रहे हैं कि प्रतिष्ठा के लिए जो सेवा की जाती है, तीसरी सेवा जो है वो किसी को नीचा दिखाने के लिए, वो कैसे होता है कि जैसे समाज में कोई व्यक्ति सेवा कर रहा है, लोग उनको जानते हैं, और किसी और व्यक्ति के मन में ये बात आई कि उसी को सब लोग जानते हैं, मैं ऐसी सेवा करूँगा कि लोग उसकी सेवा को भूल जाएंगे। ये क्या हुआ? आप परिश्रम भी कर रहे हैं, आप आर्थिक सहयोग भी कर रहे हैं, लेकिन आपके मन में क्या भावना है? जैसे किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए की सेवा दे दी तो दूसरा आकर के कहेगा कि मैं 1.5 लाख की सेवा दूंगा। किस भाव से? कि फलाने व्यक्ति की सेवा जो है वो छोटी पड़ जाए। ऐसी भावना भी कई बार लोगों के मन में होती है। तो इस प्रकार 3 तरह से सेवा की जाती है, जिसमें उत्तम दर्जे की जो सेवा है वो पहली है कि किसी को कानों कान खबर ना लगे। देवचंद्र जी ने यही किया और बताया नहीं। हरिदास जी ने जब सुनी तो उनको लगा कि हो सकता है कि भ्रम रहा हो, क्योंकि कई बार होता है ना, कभी कभी हम यदि रात को सो रहे होते हैं, 1-2 घंटे में ही नींद खुल जाती है और हमें लगता है कि सवेरा हुआ है, घड़ी देखते हैं तो पता चलता है कि अभी तो रात के 12 भी नहीं बजे हैं। इसी तरह से कभी कभी अगर दिन में नींद आती है तो हम
हमें हमारी थोड़ी सी नींद खुलती है तो हमें क्या लगता है कि रात हो गया है, फिर घड़ी देखते हैं तो पता चलता है कि अभी तो दोपहर के 11 बजे हैं, सुबह के 11 बजे हैं, ऐसा कई बार होता है। तो हरिदास जी ने भी सोचा कि शायद भ्रम रह गया हो, क्योंकि उस समय तो घड़ी वड़ी का प्रचलन नहीं था, समय भी किस आधार पर देखते थे, सूर्य के आधार पर, चंद्रमा के आधार पर, या फिर ध्रुव तारा को, नक्षत्रों की गति को देख करके समय का केवल अंदाज लगाते थे। अब इसी तरह से दिन बीतते जा रहा था। एक दिन क्या हुआ, हरिदास जी अपनी सेवा कर रहे हैं, देवचंद्र जी हरिदास जी की सेवा में सावधानी पूर्वक बैठे हैं अंदर घर के। इतने में कुछ लोग दरवाजे पर आते हैं और हरिदास जी को जोर से आवाज लगाते हैं कि हरिदास जी बाहर आइए। और हुआ क्या रहता है कि एक शख्स को, एक व्यक्ति को बिच्छू ने काटा होता है, डंक मारी होती है, और बिच्छू के जहर में, बिच्छू का जो जहर है वो बहुत पीड़ा पहुंचाती है। जिन लोगों को बिच्छू ने डंक मारा है मरते तो नहीं है, कई बिच्छू ऐसे होते भी होंगे जहरीले जिसकी पीड़ा से व्यक्ति मर जाता हो, लेकिन कई बिच्छू ऐसे होते हैं जिसके जहर से जलन बहुत होता है, पीड़ा बहुत होती है, लेकिन तड़पता रहता है, मरता नहीं है। अब इसी तरह से एक व्यक्ति को बिच्छू ने काटा, अचेत हुआ पड़ा था, चार लोग उसको पकड़ करके हरिदास जी के घर के दरवाजे पर लेके आते हैं और हरिदास जी को बाहर बुलाते हैं। हरिदास जी बाहर आए, बाहर आए तो उन्होंने मन ही मन कोई मंत्र पढ़ा, उसको दोहराया और फिर उन्होंने उस व्यक्ति की मूछों पर हाथ फेरी। पहली बार जब मूछों पर हाथ फेरी तो वो व्यक्ति थोड़ा सा चेतन हुआ, मूर्छित अवस्था से जागृत अवस्था में आया। थोड़ी उसके बाद दोबारा मंत्र पढ़ा, दोबारा मूछों पर हाथ फेरा तो वो अब सजग होकर के बैठ गया। तीसरी बार जब मंत्र दोहराया गया तो तीसरी बार में अब जहर का असर उस पर बिल्कुल भी नहीं था, पूरी तरह से जहर का प्रभाव उतर चुका था। अब ये चमत्कार देखा उन्होंने, हरिदास जी के चमत्कार को नमस्कार किया, दंडवत करके वहाँ से प्रणाम करके हरिदास जी की प्रशंसा करके और वहाँ से ये कहते हुए चले गए कि गुरुदेव आप महान हैं, आपने किसी व्यक्ति को जीवन दान दिया है, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा हम अपने शब्दों में नहीं कर सकते। इस तरह से प्रशंसा करते हुए चले गए। स्वाभाविक था कि किसी की जान बचाई है और चमत्कार भी दिखाई तो इतनी प्रशंसा स्वाभाविक है। अब आपके मन में प्रश्न होता होगा कि ये मंत्र इत्यादि क्या होते हैं, क्या किसी को मंत्र के द्वारा ठीक किया जा सकता है। वास्तविकता ये है कि शक्ति जो है वो मंत्र में नहीं है, शक्ति है मन में। हम सबके मन में शक्ति है और हम सबका मन अपार शक्तियों का भंडार है। कई बार आपने देखा होगा कि शारीरिक रूप से दुबले पतले से दिखने वाले लोग भी अपने वजन से दो गुना तीन गुना अधिक वजन वाले मनुष्य को भी आसानी से पटक देते हैं, आसानी से हरा देते हैं। तो वो केवल शारीरिक बल के आधार पर नहीं, मानसिक बल के आधार पर, मनोबल के आधार पर होता है। एक पुस्तक है, हमारी पुस्तकालय में भी उपलब्ध है शायद, उसका नाम है आपके अवचेतन मन की शक्ति, द पावर ऑफ सबकॉन्सियस माइंड। इसमें लेखक ने अवचेतन मन की शक्ति को बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है और ये भी प्रस्तुत किया है कि अवचेतन मन को कैसे जागृत किया जा सकता है, कैसे जगाया जा सकता है। देखिए, आपने कई बार ऐसी घटनाएं देखी होंगी, सुनी होंगी, समाचार पत्र इत्यादि में पढ़ा होगा कि कभी कभी क्या होता है कि कोई बुजुर्ग व्यक्ति है जो बहुत धीरे धीरे चलते हैं, लाठी का सहारा लेकर के चलते हैं, लेकिन अचानक से उनके सामने मारने वाला बैल आ जाए या काटने वाला कुत्ता आ जाए या सांप आ जाए तो क्या होता है, तुरंत या तो वो खड़े हो जाते हैं कुर्सी पर से,
या फिर कूद जाते हैं, उछल जाते हैं। कई बार तो एक सामान्य मनुष्य जो एक फुट भी नहीं उछल पाता होगा, वो सांप अथवा कुत्ते इत्यादि को देख करके 4-5 फुट की दीवार को भी या फैंसी वायर को भी वो कूद जाता है। ये कैसे संभव होता है कि ये जो कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो अचानक से हमारे मन की शक्ति को ट्रिगर कर देती है, जिससे कि वो ऐसा अप्रत्याशित कार्य करने में सक्षम हो जाता है। मैंने एक घटना देखी थी सीसीटीवी कैमरे में जो कैद हुई थी। एक हॉस्पिटल में एक व्यक्ति था जो कई बहुत लंबे अरसे से कोमा में पड़ा हुआ था, और कोमा में क्या पैरालाइज था, उसके शरीर काम नहीं कर रहे थे, शरीर के कोई भी अंग काम नहीं कर रहे थे। अचानक से क्या होता है कि वहाँ पर भूकंप आ जाता है बहुत तेज। ये सीसीटीवी कैमरे का दृश्य है। तो भूकंप आता है, अब सब लोग अपनी अपनी जान बचाकर भागते हैं, उसको बचाने वाला कोई नहीं। थोड़ी ही देर में वो भी उठ के वहाँ से भागने लगता है। जो व्यक्ति वर्षों से बिस्तर पर पड़ा हुआ था, केवल उसके अंदर जिजीविषा है। जिजीविषा अर्थात जीने की इच्छा है, तीव्र इच्छा है, और उस तीव्र इच्छा ने अवचेतन मन की शक्ति को ट्रिगर किया, और अब मन की शक्ति के द्वारा उसकी तन की शक्ति चैनलाइज हुई और वो व्यक्ति वहाँ से चल पाया, भाग पाया। तो ये अवचेतन मन की शक्ति है। मंत्र क्या करते हैं? मंत्र हमारे मन को आधार देते हैं, मंत्र हमारे मन को विश्वास देते हैं कि तुम ऐसा कर सकते हो। जैसे कोई भी मंत्र लिया जाए, मैं आपको मान लीजिए कि कोई चौपाई दे दूं और उस चौपाई के बारे में कहूं कि इस चौपाई को आपको निरंतर 40 दिनों तक एक भी दिन नागा किए बिना, एक भी दिन का गैप किए बिना 40 दिनों तक प्रतिदिन दिन में 2 बार सुबह शाम 108 बार पाठ करना है, और ऐसा अगर आप 40 दिन तक करते हैं तो आपको सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। आपको पहले तो लालच आएगा कि सिद्धि में प्राप्त कर लूँ, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, इसको भी मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन इसको कर पाना बहुत मुश्किल होता है। शुरू शुरू में आप चितवन में बैठते हैं तो क्या आपसे तारतम की 6 चौपाई एक बार में बोली जाती है? मनी मन नहीं बोली जाती है ना। आप सबका प्रैक्टिकल होगा, आप आंख बंद करके तारतम की चौपाई मन ही मन दोहराने लग जाएंगे तो 2-3 चौपाई के बाद मन कहीं और जा रहा होता है। तो सोचिए 108 बार आवृत करना, वो भी दिन में 2 बार, तो मन कितना मजबूत चाहिए, मन कितना एकाग्र चाहिए, और वो भी बीच में एक भी दिन गैप नहीं करना है, तो संकल्प शक्ति कितनी तेज चाहिए। तो आपके मन की एकाग्रता और उस मन की दृढ़ता तथा संकल्प शक्ति मिल करके आपके अवचेतन मन की शक्ति को जागृत करते हैं, और आपको अब अंदर से विश्वास होने लगता है, विश्वास हो जाता है पूरी तरह से कि आप किसी के विष को उतार सकते हैं, और आपके विश्वास में वो शक्ति होती है जिससे कि वास्तव में जहर उतर जाता है। लेकिन उसके लिए आप केवल परीक्षा लेने के लिए मजाक मजाक में कोशिश करें कि नहीं, हम भी विश्वास करके जहर उतारने की कोशिश करें, और फिर सांपों से कटवाने लग गए, बिच्छू से कटवाने लग गए, क्या होगा? यदि आपके मन में थोड़ी सी भी कमजोरी है तो क्या होगा, आपको दोबारा मौका थोड़ी मिलेगा। ये कोई कंप्यूटर का गेम तो नहीं है कि रीसेट किया जाए, दोबारा शुरू किया जाए। इसीलिए ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, पर यदि कोई वास्तव में करके देखना चाहे, परीक्षा करके देखना चाहे, तो भी परीक्षा करके भी देख सकता है। पर इसके लिए आपको नियमित, जो मैंने नियम बताया ना, उस नियम के आधार पर करना पड़ेगा। यदि आप करेंगे तो सिद्धि प्राप्त होगी, इस बात की गारंटी है। तो अब हरिदास जी भी इसी तरह से सिद्धि प्राप्त किए हुए थे। जिन जिन लोगों ने भी मंत्र की सिद्धि कर रखी है, उनकी सिद्धि का तरीका यही है, कारण वही है, संकल्प शक्ति, मनोबल, और मनोबल के लिए एक जो मन को आधार दिया जाता है ना, मन कहीं ना कहीं तो लगता है ना,
आपका मन अभी चर्चा में लगा हुआ है, चर्चा का सुनते सुनते बीच में कहीं और भी लग सकता है, तो आधार चाहिए होता है। हमेशा मन को कोई ना कोई आधार चाहिए, और जब मंत्र का आधार मिलता है तो मन उसको और मजबूती के साथ में दोहराता है। तो हरिदास जी ने भी इसी तरह से सिद्धि प्राप्त कर रखी थी। अब उनको लगा कि जब मैं जाऊंगा, जब मैं संसार से जाऊं, तो किसी को ये ज्ञान दे करके जाऊं, ये मंत्र दे करके जाऊं, ताकि आगे आने वाले लोगों का कल्याण हो। उन्होंने देवचंद्र जी से कहा कि देवचंद्र, यदि ये लोग इस व्यक्ति को लेकर के आने में एक घड़ी भी विलंब करते, एक घड़ी का तात्पर्य होता है 22.5 मिनट, ठीक है, वही 20-22 मिनट, तो इतनी भी देरी करते तो उस व्यक्ति के प्राण नहीं रहते। और जो मंत्र मैंने प्रयोग किया, इससे ऐसा उपकार हुआ है, व्यक्ति की जान बचाई है, और मैं चाहता हूं कि वो मंत्र तुम मुझसे ले लो और उस मंत्र की सिद्धि प्राप्त कर लो, और तुम भी लोगों का उपकार करो। देवचंद्र जी कहते हैं कि गुरुदेव, आपने जो मुझे पहले मंत्र दिया है, कौन सा? भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास। तो ये मंत्र मैं मानता हूं कि जन्म और मृत्यु के बंधन से छुड़ाने वाला मंत्र है। सो ए मंत्र कैसा है, जो लाख बिच्छू का दुख, सो जन्म और मरण का छुड़ाए देवे सुख। जन्म और मृत्यु के समय में कहा जाता है कि लाखों बिच्छुओं के एक साथ काटने का दर्द होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति शरीर चाहे कितना भी वृद्ध हो गया हो, वो मरना नहीं चाहता है। इंद्रियां शिथिल हो चुकी है, चेहरे पर झुर्रियां पड़ चुकी है, वेंटिलेटर पर रखे हुए हैं, बिस्तर पर पड़े हुए हैं, चम्मच से गंगाजल मुंह में डाला जा रहा है, दूध धीरे धीरे करके पिला रहे हैं, कुछ खाने की क्षमता नहीं है, खा रहे हैं तो पचाने की क्षमता नहीं है, फिर भी ये शरीर छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि तन छोड़ते हुए असहनीय पीड़ा होती है, जीव छोड़ना ही नहीं चाहते, ऐसा हमारे ग्रंथकार ऋषि मुनि अनुभवी बताते हैं। और जन्म लेते हुए भी ऐसा ही होता है। जन्म लेते हुए का तात्पर्य, जब शिशु गर्भ में आता है तो गर्भ में ऐसे पीड़ा का सहन करना पड़ता है, गर्भ में जो शरीर है वो उल्टा होता है और जठराग्नि को सहन करना पड़ता है। इसलिए आदि शंकराचार्य जी क्या लिखते हैं कि भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते, दिनम अपि रजनी सायं प्रातः शिशिर वसंतो पुनरायातः, इह संसारे खलु दुष्पारे कृपा अपारे पाहि मुरारे, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। पुनरपि जननम, बार बार जन्म लेना, पुनरपि मरणम, बार बार मरना। तो ये बार बार जन्म लेने में मरने में जठराग्नि का जो कष्ट होता है, तो देवचंद्र जी कहते हैं कि आपने जो मुझे मंत्र दिया है वो तो कैसा है, जन्म और मृत्यु के बंधन से छुड़ाने का मंत्र है, तो उसमें तो लाखों बिच्छुओं के काटने का जो दुख होता है उस दुख का निवारण हो रहा है, तो ये एक बिच्छू के काटने का मंत्र मैं क्यों लूं। और जिस हृदय में वो इतना शक्तिशाली मंत्र हो, वहां पर ऐसे हृदय में ये साधारण मंत्र कैसे समा सकता है। कहते हैं सो मंत्र जिन उर में रहे, उर अर्थात हृदय में, सो मंत्र जिन उर में रहे तहां ए कैसे समाए, तब हरिदास जी रीझ के सिफत करी बनाए। अब हरिदास जी प्रसन्न हुए और देवचंद्र जी की प्रशंसा करने लग गए, और क्या कहते हैं कि देवचंद्र जी, जैसी आपकी बुद्धि है, जैसी आपकी विवेचना है, वैसी हम में नहीं है। जिस प्रकार आप समझते हो, जैसी समझ आप में है, वैसी हम में थोड़ी सी भी नहीं, वैसा हम विचार ही नहीं कर सकते। सोचिए कि एक गुरु अपने शिष्य की इस तरह से प्रशंसा कर रहा है। इसमें केवल एक की प्रशंसा नहीं है, इसमें प्रशंसा दोनों की मैं करना चाहूँगा। देवचंद्र जी तो प्रशंसनीय है ही, लेकिन
हरिदास जी भी इस मामले में प्रशंसनीय है, क्योंकि सामान्य जो मनुष्य होता है वो अपने समकक्षी, अपने सहपाठी, अपने सहयोगी, सहकर्मी से भी अपनी बात की खंडनी नहीं सुन सकता, नहीं सुनना चाहता। और यहाँ तो जो शिष्य है, शिष्य ही गुरु की बात को अपनी विवेचना से, अपने तर्क से, अपनी बुद्धि से खंडित कर रहे हैं, और उसके बाद भी हरिदास जी प्रसन्नतापूर्वक अपनी कमी को स्वीकार कर रहे हैं और शिष्य की प्रशंसा कर रहे हैं। तो इसलिए हरिदास जी की भी विनम्रता अनुकरणीय है। अब इस प्रकार भोजनगर में कई प्रकार की घटना घटित होती रही। देवचंद्र जी जो सेवा कर रहे थे उसकी खबर अभी भी किसी को नहीं है। श्री देवचंद्र जी सेवा करें पड़े न काहू खबर, किसी को भी उसकी जानकारी नहीं है। एक दिन, अब जैसे पहले सेवा में थे, परिक्रमा कर रहे थे, इसी तरह से एक दिन फिर से देवचंद्र जी को परिक्रमा करते हुए हरिदास जी ने रात को देख ली। फिर घर का दरवाजा खोला, देवचंद्र जी को अंदर बुलाए ऊपर अपने घर पर, और कहते हैं कि देवचंद्र, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि तुम एक रात को भूले भटके आए थे, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि तुम ये तो प्रतिदिन करते हो, और आप जो मेहनत करते हो मुझसे ये सहन नहीं होता। क्यों सहन नहीं होता? क्योंकि आप मेरे आराध्य की परिक्रमा करते हो, पर मेरे आराध्य के साथ साथ में अनायास ही आप मेरी भी परिक्रमा कर रहे हो, क्योंकि पूरे घर की परिक्रमा करते थे ना, तो इसीलिए कहते हैं कि आप जैसा कर रहे हो मुझसे सहन नहीं हो रहा है। आप बताओ आपको क्या चाहिए, मैं आपको क्या दे सकता हूँ, जो चाहिए आप मांग लो, पर मैं इस तरह से अब आपसे सेवा नहीं ले सकता। फिर हरिदास जी स्वयं ही कहते हैं कि मेरे पास बांके बिहारी जी और बाल मुकुंद जी दो सेवा है, मैं बाल मुकुंद की सेवा आपको देता हूँ, आप अपने ही घर में उनको रखिए, अपने घर में सेवा कीजिए, जैसे आपको अच्छा लगे उस तरह से आप कीजिए, लेकिन आप अब मेरे घर की परिक्रमा करना बंद कर दीजिए। देवचंद्र जी ने कहा, गुरुदेव जैसी आपकी आज्ञा है मैं वैसा ही करूँगा। अब एक दिन निश्चित किया गया, और निश्चित करके देवचंद्र जी को कहा कि आप अपने घर में तैयारी करें। जो दिन निश्चित हुआ, देवचंद्र जी अपने घर में तैयारी कर रहे हैं। सुबह उठे, हरिदास जी के घर पर अब बालमुकुंद जी की मूर्ति ही नहीं है, गायब हो गई मूर्ति। अब हरिदास जी दुखी हुए हैं। पहले तो ढूंढते हैं, सबको पूछते हैं कि कौन आया था मंदिर में, सभी लोग मना करते हैं कि दरवाजे खिड़कियां तो सब बंद थी, रात को कौन आ सकता। फिर सब जगह पर ढूंढा गया, देवचंद्र जी अभी घर पर ही हैं। हरिदास जी दुखी हैं, दुखी मन से ही उन्होंने बांके बिहारी जी की तो सेवा करी, भोग लगा करके अब सबको प्रसाद दे दिया, और अब घर के लोगों को कहा कि तुम लोग भोजन कर लो। हरिदास जी तो भोजन भी नहीं कर रहे हैं। देवचंद्र जी घर से निकले, आकर के जब पता लगा कि बालमुकुंद जी तो गायब हो गए हैं, अब देवचंद्र जी भी दुखी हैं। वो स्वयं को कोस रहे हैं, स्वयं को दोष दे रहे हैं कि शायद मुझ में ही कोई कमी रह गई होगी कि बालमुकुंद जी मेरे घर नहीं आना चाहते। हरिदास जी को लग रहा है कि देवचंद्र जी कहीं ऐसा ना सोचें कि मैं देना नहीं चाहता हूँ और बहाने बना रहा हूँ। देवचंद्र जी कहते हैं कि गुरुदेव, तुम तो हमको दे चुके, वस्त आई थी हम पास, एह हमारी भूल है जो टूटी हमारी आस। कि गुरुदेव, ये तो शायद हमारी ही कहीं कमी है कि हमारी उम्मीद टूट गई है, कहीं ना कहीं हम में कोई कमी है, वरना आप तो वचन दे चुके थे और आपके वचनों से तो बालमुकुंद जी हमारे पास आ ही चुके थे।
अब हरिदास जी मानते नहीं हैं, भोजन भी ग्रहण नहीं करते और ये प्रण ले लेते हैं कि जब तक मैं दर्शन नहीं करूंगा बाल मुकुंद जी की तब तक मैं प्रसाद नहीं लूंगा। बिहारी जी को, बांके बिहारी जी को बाल भोग राजभोग लगाया गया, घर के जो बच्चे थे उनको प्रसाद और भोजन दिया गया, घर के लोगों ने भी केवल प्रसाद ही ग्रहण किया, भोजन नहीं की। और उस दिन सबकी एकादशी हुई। एकादशी का तात्पर्य, वैसे तो एकादशी एक तिथि है लेकिन एकादशी के दिन सब लोग उपवास रखते हैं, इसलिए उपवास रखने को यहाँ पर एकादशी कहा गया है। तो अब सब लोगों ने उपवास किया, देवचंद्र जी भी उपवास कर रहे हैं, किसी ने भोजन ग्रहण नहीं किया। इस तरह से पूरा दिन बीता। रात के समय देवचंद्र जी दुखी मन से अपने घर लौटते हैं। हरिदास जी भी अपने आराध्य का चिंतन कर रहे हैं, दुख में हैं कि भगवान कहाँ गए। और इस तरह से चिंतन करते करते हल्की सी आँख लग जाती है, और जब हल्की सी आँख लगती है उनके सामने बाल मुकुंद जी साक्षात प्रकट हो जाते हैं। अब उनको देख करके हरिदास जी पूछते हैं कि प्रभु जी आप कहाँ गए थे। क्या जवाब देते हैं? कहते हैं, कहया हम तो उतही बैठे हते, हम तो वहीं पर बैठे हुए थे। फिर पूछते हैं कि अगर ऐसी बात है तो आपने दर्शन क्यों नहीं दिया। तो बाल मुकुंद जी कहते हैं कि आप मुझे देवचंद्र जी के घर पर पधरा रहे थे, और जिन देवचंद्र जी के घर पर आप हमें पधराने वाले थे आपको उनके स्वरूप की पहचान नहीं है, सो तुमको इन स्वरूप की भई नहीं पहचान, मैं इनकी सेवा न सह सकूं न सह सकूं एहसान। आपको देवचंद्र जी की पहचान नहीं है, मैं इनकी सेवा सहन नहीं कर सकता हूं, इनके इनका कोई भी एहसान मैं चुका नहीं सकता हूं। क्योंकि बाल मुकुंद जी कौन है? ब्रज में जो श्री कृष्ण जी अखंड हैं वे बाल मुकुंद जी हैं, और ब्रज से ऊपर जो लीला हुई है अखंड रास की लीला। अब बाल मुकुंद जी को क्या लगता है कि देवचंद्र जी के अंदर राधा जी की शक्ति है? वैसे तो राधा जी के अंदर जिन्होंने लीला की श्यामा जी, उनकी शक्ति है, पर बाल मुकुंद जी को वो भी पूरी पहचान नहीं है। बस इतना अनुमान से पता है कि मुझे अखंड करने वाली शक्ति यही है। इसीलिए बाल मुकुंद जी कहते हैं कि मैं इनकी सेवा सहन नहीं कर सकता हूँ। और यदि वे दुखी होकर, देवचंद्र जी दुखी होकर कुछ कहें तो आप बांके बिहारी जी के वस्त्रों की सेवा दे देना, मेरी सेवा मत देना। इसका मतलब क्या समझते हैं बाल मुकुंद जी? कि वे रास बिहारी श्री कृष्ण जी की अर्धांगिनी है, इसलिए उन्होंने रास बिहारी श्री कृष्ण जी के वस्त्रों को देने की बात रखी। फिर हरिदास जी कहते हैं कि प्रभु जी अब आप कहाँ पर हैं? बाल मुकुंद जी कहते हैं कि मैं तो वहीं बैठा हुआ हूँ। और जैसे ही ये बात होती है तो हरिदास जी की आंखें खुली, जा कर के देखा कि मंदिर में बाल मुकुंद जी वैसे के वैसे ही हैं जैसे एक दिन पहले छोड़ा था। अब बहुत प्रफुल्लित हुए, प्रसन्नचित हुए, बार बार उन्होंने चरणों में प्रणाम किया। अब हरिदास जी के मन में एक तरह से स्वयं को वो दोषी मान रहे हैं। किस बात के लिए दोषी मान रहे हैं? कि जिनकी सेवा मेरे आराध्य भी सहन नहीं कर पा रहे हैं, मैंने उनसे सैकड़ों बार अपने घर में झाड़ू पोछा लगवाया होगा, कितनी बार उन्होंने मेरे कपड़े धोए होंगे, कितनी बार मेरे घर में बर्तन साफ की होगी, इस तरह से वो सोचने लगते हैं। फिर सोचते हैं कि मैं जा कर के देवचंद्र जी से माफ़ी मांगूंगा, क्षमा याचना करूंगा, तो अगर देवचंद्र जी ने मुझे माफ़ कर दिया तो मेरे पाप धुल जाएंगे। ये सोच करके अपने घर से हरिदास जी निकले। उधर से देवचंद्र जी भी
हरिदास जी के घर आने के लिए निकल चुके थे अपने घर से। बीच बाजार में दोनों की भेंट हुई। हरिदास जी दौड़ करके गए और चरणों में शीस नवाया। शायद इतिहास में ये पहली घटना होगी या इकलौती ऐसी घटना होगी जिसमें गुरु जिस शिष्य को दीक्षा देता है वही अपने शिष्य के चरणों में प्रणाम कर रहा है। मुझे लगता है कि ऐसी घटनाएं कहीं और नहीं होगी। अब देवचंद्र जी हरिदास जी को उठाते हैं और कहते हैं कि गुरुदेव आप क्या कर रहे हो। हरिदास जी ने सारी बात बताई रात वाली कि इस तरह से बालमुकुंद जी ने दर्शन दिया, आपके स्वरूप की मुझे पहचान कराई और उन्होंने अपनी सेवा देने से मना किया है, और यदि आपको बुरा लग रहा है, यदि आपको दुख हो रहा है तो आप बांके बिहारी जी के वस्त्रों की सेवा कर सकते हैं, और ये आपकी कृपा है कि मैं इतने वर्षों से सेवा कर रहा हूँ, इतने वर्षों से मैं भक्ति कर रहा हूँ, कभी मुझे दर्शन नहीं हुआ, पर आपकी कृपा से आपके कारण मुझे मेरे आराध्य के मेरे भगवान के दर्शन हो गए और उन्होंने आपके स्वरूप की मुझे पहचान कराई और कहा कि तुम इनको जानत नहीं कि मैं आपको नहीं जानता हूँ। इस तरह से अब बालमुकुंद जी की घटना जो है वो यहाँ पर समाप्त होती है और हरिदास जी देवचंद्र जी को बांके बिहारी जी का वस्त्र ले जाने की बात कहते हैं। अब यहाँ इस प्रसंग में कुछ प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न ये है कि कल ही हमने मूर्ति पूजा की बात सुनी थी कि मूर्ति जड़ है इसलिए उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए, चेतन परमात्मा की पूजा करनी चाहिए, तो बाल मुकुंद जी कैसे गायब हो गए वहाँ से? चेतन थे तभी तो गायब हो पाए ना, ऐसा प्रश्न हो सकता है। दूसरा प्रश्न ये भी हो सकता है कि देवचंद्र जी इतने वर्षों से परिक्रमा करते थे हरिदास जी के घर की, तो पहले कभी बालमुकुंद जी गायब नहीं हुए, हरिदास जी के घर पे तो सेवा कर ही रहे थे, लेकिन जहां देवचंद्र जी के घर लेके जाने की बात हुई तब बालमुकुंद जी अंतर्ध्यान हुए, गायब हुए, इसका कारण क्या है? पहला जो प्रश्न था पहले मैं उसका समाधान करने की कोशिश करता हूँ, उम्मीद है कि आप सब समझेंगे। देखिए मूर्ति वहाँ से गायब नहीं हुई थी क्योंकि अंतिम में क्या कहा है कि मैं तो वहीं पर हूँ। दृष्टि बंद कर दिया था किसने? बालमुकुंद जी ने, ब्रज वाले कृष्ण जी की शक्ति ने, केवल इस बात के लिए कि कोई मेरी पूजा न करे इसलिए उन्होंने दृष्टि बंद कर दिया था देवचंद्र जी के स्वरूप की पहचान देने के लिए। ये बात सही है कि मूर्ति जड़ है, पर इसका तात्पर्य ये नहीं है कि वो किसी का प्रतीक नहीं हो सकता है, उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। हमें तो ध्यान करना चाहिए, योग करना चाहिए, भक्ति सेवा करनी चाहिए, मूर्ति पूजा की जगह पर हमें ध्यान करनी चाहिए। लेकिन यदि आपके सामने किसी भी महापुरुष की मूर्ति है, चित्र है, फोटो इत्यादि है, तो आपको उसका अपमान भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि भारतवर्ष का जो झंडा है, ये झंडा क्या होता है? कपड़े का एक टुकड़ा है जिस पर तीन रंग से रंगा गया है, बीच में अशोक चक्र का नक्शा बनाया हुआ है जिसकी 24 तीलियां हैं, 24 अरे वही तो है ना, कपड़ा है। लेकिन उसका सम्मान कितना अधिक है कि यदि कोई व्यक्ति उस राष्ट्र ध्वज का अपमान करता हुआ देखे तो सेना को इस बात का अधिकार प्राप्त होता है कि वो उस व्यक्ति को गोली मार दे। राष्ट्र ध्वज का अपमान राष्ट्र का अपमान माना जाता है और राष्ट्र ध्वज का जो सम्मान है वो राष्ट्र का सम्मान माना जाता है। तो ये प्रतीक होते हैं, प्रतीकात्मक चिन्ह होते हैं। तो यदि
बाल मुकुंद जी के नाम पर देवचंद्र जी उस मूर्ति को लेकर के घर पर जाते, तो इससे बाल मुकुंद जी को तो ये भाव रहता ना कि ये मेरी सेवा कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने दृष्टि बंद कर दी और किसी के सामने वो नहीं आए। ये मूर्ति की शक्ति ने, ये शक्ति है बाल मुकुंद जी की। अब अगला प्रश्न था कि फिर पहले गायब क्यों नहीं हुए? पहले इसलिए अंतर ध्यान नहीं हुए क्योंकि पहले जब परिक्रमा करते थे देवचंद्र जी तो पूरे घर की परिक्रमा करते थे और उसमें साथ में किसकी परिक्रमा होती थी? बाल मुकुंद जी के साथ साथ में बांके बिहारी जी की भी तो परिक्रमा होती थी। जैसे मान लीजिए कि आप सब विद्यार्थी हैं, आप कहीं स्वामी जी के साथ जाते हैं किसी कार्यक्रम में, तो जो भी सुंदर साथ आपके पास आएंगे प्रणाम करने के, स्वामी जी के पास आएंगे प्रणाम करने के लिए, वो आपको भी चरणों में ही प्रणाम करेंगे। आपको झिझक तो होगी ना कि कोई आपके चरणों में प्रणाम कर रहा है, लेकिन अब आप कुछ वहाँ से भाग भी नहीं सकते, मना भी नहीं कर सकते क्योंकि स्वामी जी भी साथ में बैठे हुए हैं, ठीक है। लेकिन आप जब अकेले होते हैं और आपके तरफ कोई आते हैं तो आपके पास विकल्प है, आप उनको पहले ही रोक सकते हैं। वरना क्या होता है, सुंदर साथ आते हैं, स्वामी जी के पास आते हैं, प्रणाम करते हैं, आपको भी चरणों में छूते हैं और चले जाते हैं, आप कुछ कर भी नहीं पाते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो बाल मुकुंद जी के साथ साथ में पहले तो बांके बिहारी जी की भी परिक्रमा हो रही थी इसीलिए। और तीसरी बात, क्योंकि हर चीज़ का एक निश्चित समय होता है, अभी देवचंद्र जी के अंदर जो परिपक्वता आनी थी वो धीरे धीरे आ रही थी। वास्तव में ये जो घटना हुई, उस घटना का मुख्य उद्देश्य क्या है? देवचंद्र जी को जिस खोज के रास्ते पर वो चले हैं उस पर और आगे बढ़ाना है। अब तक तो देवचंद्र जी केवल क्या करते आ रहे हैं, कर्मकांडी करते आ रहे हैं ना, परिक्रमा करते हैं, सेवा करते हैं और क्या करते हैं इसके अलावा, पूजा करते हैं और कुछ तो नहीं करते। अब देवचंद्र जी को आध्यात्मिक रास्ते में और आगे बढ़ाना था, इसीलिए ये सारी घटनाएं हुई, ठीक है। तो इस तरह अब बांके बिहारी जी की बागा वस्त्र को लेकर के देवचंद्र जी अपने घर आते हैं। अपने घर में एक स्थान पर सिंहासन बना करके वहां उन वस्त्रों को पधराया जाता है। अब कृष्ण जी के लिए देवचंद्र जी अलग से वस्त्र, अलग से बर्तन इत्यादि तैयार करते हैं। जैसे गुरु जी से उन्होंने सेवा देखी थी, सेवा सीखी थी, वैसे ही वो भी करने लगते हैं। ऋतुओं के आधार पर, चाहे भोजन हो, चाहे आवास की व्यवस्था हो, जैसा उन्होंने देखा वैसा ही वो भी करने लगते हैं। और किस भाव से सेवा कर रहे हैं? सखी भाव से। पानी भी स्वयं लेकर के आते हैं कुएं पर से, स्वयं चौका देते हैं। चौका देने का तात्पर्य क्या है? आज की नई जेनरेशन तो चौका देना समझेगी भी नहीं, जो हमारी बुजुर्ग माताएं हैं वो समझेंगी कि पहले के समय में, आज भी कई गांवों में होते हैं मिट्टी वाले चूल्हे जो होते हैं ना, जिसमें लकड़ी डाल करके जलाई जाती है, तो ऐसी रसोई में गोबर और मिट्टी मिला करके उसमें पानी डाल करके उस रसोई को अच्छे से साफ किया जाता है। इसको कुछ लोग लिपाई करना बोलते हैं, पुताई करना बोलते हैं, उसको कहते हैं चौका देना। तो इस तरह से स्वयं अपने हाथ से चौका देते थे, स्वयं पानी लेकर के आते थे, खुद ही भोजन बना करके खुद ही देव बांके बिहारी जी को वो भोग लगाते थे। और रसोई में भी विवेकपूर्वक रसोई करते हैं, चावल, मूंग, घी, खांड, ये सब अपने आराध्य के लिए अलग करके रखते हैं और अपने लिए सामान्य भोजन, आराध्य के लिए विशिष्ट भोजन और अपने लिए सामान्य भोजन वो तैयार करते हैं। इस तरह से सेवा का क्रम चल रहा था। कुछ दिनों में क्या हुआ कि गांव के आसपास के लोग, घर के आस अड़ोस पड़ोस के लोग लीलबाई जी को ताना मारने लगते हैं। ताना किस बात पर मारते हैं? कि तुम कैसे स्त्री हो, कि तुम्हारे रहते हुए
तुम्हारा पति इस घर के सारे काम करता है, बर्तन भी खुद ही धोता है, पानी भी खुद ही लेकर के आता है, भोजन भी स्वयं ही बनाता है, तो तुम कैसी पत्नी हो? ये कर्तव्य किसका है? तुम्हारा है। सामान्य दृष्टि से देखा जाए तो बात भी सही थी, लेकिन देवचंद्र जी की दृष्टि से देखा जाए तो देवचंद्र जी तो अपनी सेवा कर रहे हैं प्रेम भाव से। लीलबाई जी के अंदर अभी वो भाव नहीं है, केवल लोगों का दबाव था, कई लोग कह रहे थे, और कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। देवचंद्र जी के पास लीलबाई जी आती हैं लोगों की बात सुन करके कि सब लोग मुझे ताना मारते हैं कि मेरे रहते हुए आपको सारा काम करना पड़ता है, इसीलिए आप मुझे सेवा दे दीजिए, मैं पानी ले आऊँगी, मैं रसोई बना दूँगी, मैं घर के काम कर लूँगी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप नहीं करने देंगे तो सब लोग मुझे ताना मारेंगे। देवचंद्र जी क्या कहते हैं कि तब श्री देवचंद्र जी ने कहा, नहीं तेरो ए काम, कबहू तेरो चित्त दुखे को जल भरते इस ठाम। देवचंद्र जी का ये नियम था कि जब वो पानी भर करके ला रहे होते थे, यदि ऊपर से कोई चिड़िया भी गुजर रही है तब भी उनको लगता था कि मेरे आराध्य को जो पानी चाहिए या मैं लेकर के जा रहा हूं, उस पर किसी की परछाई पड़ गई। अगर कोई व्यक्ति चलता हुआ पास में से आ जाए, उसकी परछाई पड़ जाए, तब भी वो पानी बदलते थे। वैसे तो ये सब कर्मकांड है, आज तारतम ज्ञान मिलने के बाद इन सब की आवश्यकता नहीं है, पर देवचंद्र जी के पास उस समय तारतम ज्ञान नहीं था, और उस समय उन्होंने किया, और जो किया उन्होंने पूरे दिल से किया। तो देवचंद्र जी कहते हैं कि ये तुम्हारा काम नहीं है, यदि तुम्हारा दिल दुखता है सेवा करते समय, पानी भरते समय, तो क्या होगा, मेरी सेवा भावना भंग होगी। और केवल पानी भरते हुए नहीं, मान लो कि मैं तो कभी कभी तो दो दो तीन तीन बार भी मुझे पानी भरना पड़ता है किसी की परछाई पड़ जाए तो, और तुम एक बार पानी लेकर के आए, आते आते किसी की परछाई पड़ गई, और उस पर या तो तुमने उस बात को नज़रअंदाज किया कि चलने देते हैं क्या फ़र्क पड़ जाएगा, तब भी मेरी सेवा भंग होगी। और अगर तुम्हारा मन दुखी हुआ कि अरे कितनी बार भरना पड़ेगा, तब भी मेरी सेवा खंडित होगी। और उसके अलावा भी रसोई बनाते हुए और कोई काम करते हुए यदि तुम्हारा चित्त दुखता है, कहते हैं कि या और टहल करते दुखाए, तो को नहीं पहचान, तब सेवा धर्म कहाँ रहियो, न होए मेरे समान। कोई भी काम करते हुए तुम्हारा मन दुखी होगा तो सेवा धर्म कहाँ रहा, इसलिए तुम मेरी तरह भाव से सेवा नहीं कर पाओगे। यदि तुम्हें मेरी सेवा करने की इतनी ही इच्छा है तो तुम मेरे माता पिता की सेवा कर दो, ये बहुत है, मेरे आराध्य की सेवा तो मैं ही करूँगा, मैं ये जो सेवा है वो तुम्हें नहीं दे सकता। सेवा का प्रसंग आज ही दोबारा आया है। पहली बार जो सेवा का प्रसंग हमने सुना देवचंद्र जी की, उसका सार क्या था, उसका भाव क्या था, कि हमें सेवा का दिखावा नहीं करना चाहिए, लौकिक प्रतिष्ठा के लिए सेवा नहीं करनी चाहिए। अब दूसरी बात क्या है कि सेवा करते हुए दुखी मन से सेवा नहीं करनी चाहिए। किसी ने कहा कि गुरु बनना सहज है, कठिन बनना दास, दास तो तब हो वही जब हाड़ रहे ना मांस। यहां दास का तात्पर्य सेवक, जो सेवा करता है। गुरु बन करके सेवा कराना आसान है, लेकिन सेवक बन करके सेवा करना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, क्योंकि सेवक तो तब बना जा सकता है जब आपका हाड़ और मांस नहीं रहता है, मतलब आप अपने अस्तित्व को भुला देते हैं तभी आप सेवा कर पाते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना है कि नहीं,
आप कोई भी सेवा करेंगे उसमें आप परफेक्शन तो नहीं ला सकते, है कि नहीं? आप कितना भी अच्छा काम कर लें, उस काम को उससे और अच्छी तरीके से करने की संभावना होती है। अब आपने सेवा करनी शुरू की, तो जैसा कि मैंने कहा ना कि गुरु बनना सहज है, कठिन बनना दास। आपने किसी की सेवा करनी शुरू की, उस सेवा में गलती निकलेगी। जैसे उदाहरण के लिए मैंने सुना, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, एक किसी समय में एक गुरु थे, मेरे मन में भी उनके लिए बहुत श्रद्धा है, पर मैं केवल समझाने के लिए बिना नाम लिए उनकी केवल कथा बता रहा हूँ, घटना बता रहा हूँ। जो उस समय में मौजूद होंगे वो समझते होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, बाकी लोग केवल शिक्षा लें उतना पर्याप्त है। तो होता ऐसा था कि कार्यक्रम चल रहा हो तो गुरुजी बैठे हुए हैं या सद्गुरु बैठे हुए हैं, जैसे अभी बीतक चल रही है तो प्रसाद देना होता है ना, तो वो बैठे रहते थे गुरुजी तखत पर। किसी एक सुंदर साथ की सेवा लगती थी प्रसाद बांटने के लिए, अगर थोड़ा थोड़ा बांटता था प्रसाद कि सबको मिल जाए, है कि नहीं? कोई भी बंदा बांटेगा तो क्या सोच के बांटेगा कि सबको मिलना चाहिए, तो डांट पड़ती थी थोड़ा थोड़ा बांटने पर कि बचा के घर ले जाएगा। ठीक है, अब बात भी ठीक है, देखने में तो ऐसा ही लग रहा है। और अब जैसे ही डांट सुनी कि बचा के घर ले जाएगा, तो उसने थोड़ा ज्यादा ज्यादा बांटना शुरू किया। फिर डांट पड़ी कि बाप का माल समझा है जो इतना ज्यादा ज्यादा बांटता है। ठीक है, तो दोनों तरफ डांट पड़ रही है, थोड़ा ज्यादा दिया तब भी डांट पड़ती है, थोड़ा कम दिया तब भी डांट पड़ती है। तो सेवा करने वाले को हमेशा सुनना पड़ता है। हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है कि जो घोड़े पर चढ़ता है वही गिरता है। ठीक है, जो समुद्र में तैराकी करने जाएगा वो हो सकता है कि शुरू में दो चार घूंट पानी पी भी ले, तो जो कोशिश करेगा उससे गलती होगी, उसकी गलती निकाली भी जाएगी। लेकिन यदि आपको इस बात का दुख हुआ कि लोग मेरी गलती निकाल रहे हैं, अच्छा दुख भी अलग अलग लेवल का होता है। पहले इस बात का दुख होता है कि मेरी गलती निकाली जा रही है, उसके बाद फिर इस बात का भी दुख होता है कि मेरी सेवा को पहचान नहीं मिल रही है, फिर इस बात का भी दुख होता है कि मैं सेवा करता हूँ फिर भी मुझे सुनना पड़ता है, इतनी सेवा कर रहा हूँ फिर भी मुझे लोग सुनाते हैं। इस तरह से भिन्न भिन्न प्रकार के दुख होते हैं सेवा करने वाले को। और सेवा जो होती है वो कैसे होती है, हमारी वाणी में तो सेवा को इतनी अच्छी तरह से समझाया गया है और हमने भी समझा है ज्ञान से। आज निजानंद संप्रदाय के जितने भी प्रचारक हैं हमारे पूरे समाज में, भले ही आप दो वर्ग कह लें, प्रणामी समाज कह लें, निजानंदी कह लें, आहूजा कह लें, कुछ भी कह लें, पूरे निजानंद संप्रदाय में मेरे विचार से 400 के आसपास मंदिर होंगे। उन 400 के 400 मंदिर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई वक्ता चर्चा कर रहा होगा, है कि नहीं? और उसके अलावा भी कई जगह पर, मंदिरों के अलावा भी कई जगहों पर गली गली में सुंदर सा चर्चा कर रहे होंगे। जितने भी प्रचारक, जितने भी कथावाचक, जितने भी विद्वान हमारे समाज के हैं, मैं इस बात की गारंटी देकर के कह सकता हूं कि वर्तमान सेवादारों में यदि किसी का उदाहरण देना होगा कि वर्तमान समय में सेवा किसी से सीखनी है तो किससे सीखनी है, तो वो अपने समाज के अलावा सबका दृष्टांत दे सकते हैं। पर हमारे समाज में ऐसा कोई दृष्टांत ही नहीं है कि सिखाया जा सके। हम कहेंगे कि सेवा सीखनी है तो सरदारों से, सिखों से सीखो,
हम कहेंगे सेवा सीखनी है तो देखो राधा स्वामी उसे सीखो कि वो किस तरह से सेवा करते हैं। उनके केंद्र में एक पत्ता भी नहीं मिलता है, कूड़े का कुछ भी नहीं मिलता है। हम कहेंगे कि अगर सेवा सीखनी ही है तो ब्रह्म कुमारियों से सीखो, सेवा सीखनी है तो किसी और से फलाने से सीखो, लेकिन हमारे पास अपना कोई उदाहरण नहीं है कि इस संस्था के लोगों से सेवा सीखो, ऐसा कोई उदाहरण है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए प्रतिष्ठा, हमें तो मिल गए ज्ञान, और ज्ञान भी कैसा, सरिय तरीकत नहीं, हमारा ज्ञान कैसा है, हकीकत और मारिफत का। तो हम क्या बन गए, हम बन गए परमहंस। अब हम स्वयं परमहंस हैं, ये कहावत कही जाती है कि हम खुद ही महादेव हैं, हमें वरदान कौन देगा, है कि नहीं। तो हम परमहंस से सेवा को किसकी करेंगे, इसलिए हमारे समाज में सेवा की परंपरा बहुत कम है। हम स्वयं ज्ञानी हैं यहाँ पर, और सेवा तो कौन करते हैं, जिसमें ज्ञान का अहंकार ना हो, किसी का भी अहंकार ना हो। हार्ड रहे ना मांस का तात्पर्य यही तो है कि स्वयं के अस्तित्व को समाप्त कर देना, सेवा तब होगी, उससे पहले काम होगा। यहाँ हमारे यहाँ विद्यार्थी भी सेवा करते हैं, पर हम अब तक जो भी सेवा कर पा रहे वो कहीं ना कहीं काम है। कैसे काम है मैं साबित करता हूँ, केवल विद्यार्थियों की बात नहीं है, हर किसी की। जैसे मान लीजिए कि एक विद्यार्थी किसी दूसरे विद्यार्थी के साथ में उसकी काफ़ी ज़्यादा घनिष्ठता है, तो वो सेवा भी उसी ग्रुप में लेना चाहेगा जिसमें उसका घनिष्ठ मित्र हो। और यदि किसी एक के साथ बनती नहीं है और उसके साथ सेवा में रखा गया, तो वो क्या बोलेगा कि गुरुजी मुझे दूसरे ग्रुप में दे दो, मैं उसके साथ सेवा नहीं कर पाऊंगा, ऐसा बोलते हैं कि नहीं। तो इसका भाव क्या है कि हमने अभी स्वयं को नहीं मारा है, हम अब तक स्वयं को नहीं मार पाए हैं, अभी हमारी हड्डियां, अभी हमारा मांस सलामत है, इसलिए हमें दुख होता है, हमें बुरा लगता है कि हमने सेवा की और हमारी सेवा को लोग पहचानते नहीं हैं। तो देवचंद्र जी ने इस प्रसंग से हम सबको सिखाया है कि सेवा करते समय दिल नहीं दुखना चाहिए। तो लीलबाई जी को कहते हैं कि देव नहीं तिस वास्ते मैं करूं अपने अंग, है मेरो प्रेम स्वरूप सो तामे होवे भंग। मेरा प्रेम किससे है, मेरे आराध्य के स्वरूप से। यदि हमें भी स्वरूप की पहचान हो जाए, सेवा कैसे होगी, सेवा कैसे होगी। हमारी वाणी क्या कहती है, सेवा कीजिए पहचान चित्त धर्म। कैसे, पहचान से, क्योंकि बिना पहचान के प्रेम नहीं और बिना प्रेम के सेवा नहीं। वाणी क्या कहती है, तुम प्रेम सेवाएं पामसो पार। और जहाँ प्रेम आ जाता है, जहाँ पहचान होती है, जहाँ पर्दा समाप्त हो जाता है, तो वहाँ की अवस्था के बारे में बताते हुए इंद्रावती जी कहती हैं, मुख थी सेवा तूने सू कहूँ, जेतु अंतर आड़ो टाल, अनेक विध सेवा तणी तूने उपज से तत्काल। जब हमारे अंदर का अहम समाप्त हो जाता है, जब हमें अपने आराध्य की, अपने प्रियतम के स्वरूप की पहचान हो जाती है, और जब हमें उनसे अपनापन हो जाता है, तो फिर हमें सेवा के लिए कहना नहीं पड़ता है। आज वही सुंदर साथ ज्ञानपीठ में सेवा कर पाते हैं, काम की बात नहीं कर रहा, सेवा की बात कर रहा, वही सुंदर साथ सेवा कर पाते हैं जिन्होंने ज्ञानपीठ को अपना माना है, जिन्होंने इस जागनी के मिशन को, लक्ष्य को अपना माना है। और जो अपना मानता है ना, फिर उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारे ज्ञानपीठ के ही सचिव जी हैं ना, चौहान जी, उन्होंने एक बहुत सुंदर दृष्टांत दिया था, उस दृष्टांत में बार बार याद करता हूँ इस बात को। उन्होंने एक दृष्टांत दिया था, और वो भी सत्य घटना पर आधारित, कि एक छोटी सी बच्ची थी, लगभग 5-6 साल की रही होगी, और उसके माता पिता वहाँ पर थे नहीं, हो सकता है कि दोनों अनाथ हों, जो भी कारण रहा हो। और उसने अपने लगभग लगभग 2-2.5 साल के भाई को उठा रखा है, पकड़ करके,
तो किसी ने पूछा उससे कि तूने इतना भार उठा रखा है, इतना वजन उठा रखा है, तुझे भार नहीं लगता? तो वो बच्ची कहती है कि भार कहाँ है, ये तो भाई है। इसका मतलब क्या है कि उस भाई के साथ उस बच्ची को प्रेम है, अपनापन है, और अपनापन है इस वजह से उसको वो जो भाई का वजन है, भाई की जो उसका जो भार है, वो भी जिम्मेदारी लग रही है और इसीलिए वो उठा पा रही है। क्यों? अपनापन है और प्रेम है। हमने यदि जागनी के लक्ष्य को अपना माना तो फिर हमें भार नहीं लगेगा। जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हुए वे समाज की सेवा में दिन रात परिश्रम कैसे कर पाते हैं? वो वैसे ही परिश्रम कर पाते हैं जैसे एक माता है। माँ यदि अपना बच्चा, अपनी संतान बीमार हो, पूरी रात की नींद भी कुर्बान कर सकती है, कर सकती है कि नहीं? लेकिन यदि पड़ोस में कोई बीमार हो तो थोड़ी देर औपचारिकतावश वही महिला जाएगी, औपचारिकतावश जा करके थोड़ी देर पूछेगी, उसके बाद कहेगी मुझे घर में बहुत जरूरी काम है, अब सुबह आती हूँ मिलने। क्यों? क्योंकि वो अपनापन जो अपने बच्चे के साथ है वो पराए के साथ नहीं है। तो इसी तरह से हम जब सेवा को अपना मान लेते हैं, हम जब किसी संस्था को अपना मान करके चलते हैं, हम किसी मिशन को अपना मान करके चलते हैं, फिर हमें भार नहीं महसूस होती, फिर हमें थकान महसूस नहीं होती, फिर हम दिन रात नहीं देखते। स्वामी जी को आप देखेंगे, मैं कई बार बच्चों को भी कक्षा में बताता हूँ कि स्वामी जी की जो दिनचर्या है अलग अलग क्षेत्र में, जैसे लेखन का उनका कार्य है, जैसे चर्चा का उनका कार्य है, जैसा उनका आहार विहार है, जैसी उनकी यात्रा की शैली रहती है, हम इन अलग अलग कार्यों में से किसी एक कार्य को भी उनके जैसा नहीं कर सकते। क्योंकि जब वो लिख रहे होते हैं साहित्य तो दिन में घंटों तक लिखते हैं, ध्यान जब करते हैं, अभी तो ध्यान के लिए पन्ना जी में है, तो केवल हल्का फुल्का आहार के लिए मेरे ख्याल से दिन में सुबह और दोपहर को आते होंगे, उसके बाद उनका अधिकांश समय ध्यान में ही बीतता है। जब जागनी के लिए यात्रा चल रही होती है, कई बार राज्य की कृपा से मुझे भी साथ में रहने का अवसर मिलता है, तो मैं देखता हूँ, अभी जैसे इस वर्ष भी फरवरी से लेकर के मार्च तक पूरा एक महीने के अंदर अंदर मध्य प्रदेश, गुजरात, नेपाल, आसाम और वापस सरसावा, और मध्य प्रदेश में भी दो भिन्न भिन्न स्थानों पर कार्यक्रम, गुजरात में तीन स्थानों पर, ऐसे करके एक महीने के अंदर अंदर निरंतर कार्यक्रम और यात्रा। आज कार्यक्रम समापन हुआ दोपहर को और फिर भोजन करके निकल रहे हैं गाड़ी से, फिर 18-18, 20-20 घंटे यात्रा कर रहे हैं। इस तरह से वो परिश्रम क्यों कर पाते हैं? क्योंकि उनके लिए वो मिशन अपना है, ये जो जागनी का मिशन है अपना है, और इस मिशन में जितने भी सुंदर साथ सच्चे दिल से सेवा कर रहे हैं वो भी इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने भी इस मिशन को अपना माना है। यदि हम इसको स्वामी जी का मिशन सोचेंगे, यदि हम इस ज्ञानपीठ को स्वामी जी का ज्ञानपीठ या ट्रस्ट का ज्ञानपीठ समझ करके चलेंगे तो क्या होगा? हमसे वो जिम्मेदारी नहीं निभाई जाएगी। फिर हम जहाँ थोड़ा सा भी दबाव आया हम पर, हम उस दबाव में बिखर जाएंगे। लेकिन जैसे उस बहन ने अपने भाई को उठा रखा था, वैसे अगर उठाएं तो उठ जाएगा। अगर भाई की तरह लगाव है तो वो भाई बनेगा, वरना वही भार बनेगा। तो इसलिए श्री देवचंद्र जी के प्रसंग से ये शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसको हमें अपने जीवन भर अपनाना चाहिए कि हमें उस अपनेपन के साथ सेवा करनी चाहिए, पहचान करके सेवा करनी चाहिए और प्रेम से सेवा करनी चाहिए कि हे मेरो प्रेम स्वरूप सो
तामे होवे भंग, कि मेरा जिस स्वरूप के साथ प्रेम है वो सेवा भंग ना हो। आज तो हमें, मेरे पास कई बार शिकायत आती है क्योंकि अब तो राज्य की कृपा से बहुत सारे सुंदर साथ के साथ मिलना होता है। कई बार सुंदर साथ को कोई सेवा दी होती है, सेवा सौंपी होती है और उसमें पूरी टीम होती है कभी कभी, तो टीम में यदि एक के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आता है या एक ने कोई सेवा की और उस सेवा पर उसी टीम के किसी व्यक्ति ने कमी निकाल दी, तो वो सुंदर साथ सेवा छोड़ने के लिए तैयार होते हैं। अच्छा, उस समय ना दो विकल्प होते हैं हमारे पास, या तो अहंकार छोड़ना है या राज्य को छोड़ना है, दो विकल्प है ना। हम वहाँ राज्य को छोड़ने को तैयार होते हैं, अहंकार छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि सेवा छोड़ने का तात्पर्य किसको छोड़ना है, राज्य को छोड़ना हुआ ना। हम वहाँ अपना अहंकार नहीं छोड़ पाते हैं, हम कहते हैं राज्य छूट जाए भले ही लेकिन अहंकार नहीं छूटना चाहिए। तो इस तरह से सुंदर साथ दुखी होकर के सेवा छोड़ देते हैं। बहुत सारे ऐसे सुंदर साथ मेरे जीवन में भी आए, मैंने जिनको देखा कि वो कई बार निरंतर सेवा कर रहे होते हैं लेकिन थोड़ी सी जैसे ही कोई मार्गदर्शन करने की कोशिश करे कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे करें, तो कहते हैं कि आप ही कर लो, ठीक है। तो ये क्या है, ये है अहंकार। इस तरह से तो अगर कोई भी कर रहा है तो वो केवल परिश्रम है, और हमें प्रेम सेवा करनी है। और बार बार मैं कहता हूँ कि वो प्रेम सेवा कैसे होगी, पहचान से। इस प्रकार श्री देवचंद्र जी ने जो सेवा लीलबाई जी चाहती थी वो उन्होंने नहीं दी, और लीलबाई जी को कहा कि यदि आपको सेवा करने की इच्छा है तो आप मेरे माता पिता की सेवा कीजिए। अब क्या कहते हैं, सेवा करने न दई सब करें अपने हाथ, हमेशा चितवन करें रहे सेवा के साथ। अब सेवा के साथ साथ में वो क्या करते हैं, चितवनी। चितवनी क्या होता है, चितवन शब्द से बना है, चितवन का अर्थ होता है देखना। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आत्मिक दृष्टि से देखना, यह है चितवनी। अभी देवचंद्र जी के पास तारतम ज्ञान भी नहीं है लेकिन फिर भी वो चितवनी करते हैं। और यहां तो उन्होंने श्री कृष्ण जी की चितवनी की है, जब युगल स्वरूप हृदय में विराजमान होते हैं तो वो सुंदर साथ को भी चितवनी कराते हैं। लेकिन हमारे समाज का ही एक वर्ग इस चितवनी का ये कह करके विरोध करता है कि ब्रह्म सृष्टियों के लिए चितवनी जरूरी नहीं है। ब्रह्म सृष्टियाँ तो क्या करना चाहिए, ब्रह्म सृष्टियों को माला लेनी चाहिए, माला फिरना चाहिए, चंदन तिलक कर ले हो जाएगा, चितवनी की कहाँ जरूरत है। वाणी में कहाँ चितवनी की बात लिखी है, बीतक में कहाँ लिखी है, यहाँ लिखी है। बिहारी जी को जब गादी पर बैठाया जाता है उसके बाद भी प्रसंग आता है कि तहाँ चितवनी धाम की करत है सब कोई, स्वरूप वस्त्र वर्णन होने लगा सोए। एक बार नहीं अनेकों बार, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर भी श्री देवचंद्र जी चितवनी कर रहे हैं। सरकार श्री एक बात कहा करते थे कि वाणी मंथन सेवा और चितवनी का कोई विकल्प नहीं है, तो वास्तव में उसका कोई विकल्प नहीं है। आप अगर माला का जप कर रहे हैं, आप मंत्र दोहरा रहे हैं, तो ये तो बच्चों की बात हो गई, भी एक प्राथमिक कक्षा हो गई। जो कुछ नहीं करता उसके लिए है, लेकिन जिसके पास ज्ञान है, विवेचना शक्ति है, समझ है, उसके लिए तो चितवनी ही एकमात्र उपाय है। प्राइमरी छोड़कर के कभी तो आगे बढ़ना होगा, तो इसलिए देवचंद्र जी की इस प्रसंग से हम चितवनी का सीखते हैं। अब चितवनी करते हुए एक बार क्या हुआ, कहते हैं इन भात एक दिन हुआ ध्यान में दर्शन, जाने हम ब्रज में गए द्वार नंद के रोशन। चितवनी करते हुए उनको ध्यान में दर्शन हुआ। अब ध्यान की प्रक्रिया उन्होंने कहाँ सीखी थी, चितवनी की प्रक्रिया कहाँ सीखी थी, अलग अलग योगियों के पास भी तो गए हैं ना अपने खोज के क्रम में, तो वहाँ उन्होंने ध्यान की प्रक्रिया सीखी और हरिदास जी से अपने आराध्य की पहचान जो ली है, जिनको उस समय आराध्य मान रहे हैं, तो पद्धति उनको पता है, योग विद्या उन्होंने सीखी है, तो इसीलिए
वो अपने आराध्य की चितवनी या ध्यान किया करते थे। और एक दिन उनका ध्यान एकाग्र हुआ और क्या लगा उनको कि जाने हम ब्रज में गए द्वार नंद के रोशन। उनको ऐसा प्रतीत हुआ कि नंद बाबा के घर पर पहुंचे हैं और ये ब्रज का स्थान है। दर्शन कहाँ का हो रहा है, अखंड ब्रज कहाँ पर है, सबलिंग के कारण में। पर यहां देवचंद्र जी को दर्शन देने वाला स्वरूप सबलिंग का नहीं है, ब्रजमंडल का नहीं है, क्योंकि जो ब्रजमंडल वाले कृष्ण अभी थोड़ी देर पहले तो कह रहे थे कि मैं इनकी सेवा ना सह सकूं ऐसा, वो दोबारा दर्शन देने क्यों आएंगे? अगर आएंगे तो दर्शन लेने आएंगे, है कि नहीं? तो वो दर्शन देने नहीं आए हैं, दर्शन तो उनको राज्जी ने ही दिया है। तभी तो हम कह सकते हैं ना कि पिया किए अति प्रसन्न, तीन बेर दिए दर्शन। पर ब्रज की लीला के रूप में उनको दर्शन हुआ है, क्योंकि ब्रज में भी तो हम ही ने लीला की थी। तो ब्रज लीला वाले बाल मुकुंद जी के रूप में राज्य का उन्हें दर्शन होता है। अब उस दर्शन में किस प्रकार प्रेममय वार्तालाप होती है, कैसे वो कृष्ण जी को ढूंढते जाते हैं, किस तरह से वहाँ पर अनेक कृष्ण होते हैं, कैसे माता यशोदा जी मिठाई दे करके भेजते हैं, कैसे मिल बांट करके खाते हैं, किस प्रकार उनका ध्यान भंग होता है हाथ हिलने पर, ये सारा प्रसंग हम सुनेंगे कल की चर्चा में। और साथ ही ये भी सुनेंगे कि जैसे कई बार लोग कहते हैं कि हम तो चलते फिरते ध्यान कर लेते हैं, ठीक है, तो हमें आँख बंद करके एक जगह पर बैठने की क्या ज़रूरत है? तो इस प्रश्न का भी समाधान सुनेंगे कि चलते फिरते जो किया जाता है वो वास्तव में ध्यान है कि क्या है, और एक जगह पर बैठने की क्या ज़रूरत है। और जब वाणी एक तरफ कहती है कि ना जप तप ना ध्यान कछु ना जो गारंभ कष्ट, जो देखाई ब्रज रास में यही वतन चाल ब्रह्म सृष्ट। एक तरफ वाणी ही कह रही है कि हमें जप तप ध्यान कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो इन सभी प्रश्नों का समाधान क्या है, इनकी चर्चा सुनेंगे हम कल। अभी के लिए समय पूरा होता है, वैसे तो हम थोड़ा सा आगे और चल सकते थे, पर चूंकि भोग का प्रसंग आ रहा है और मैंने सभी सुंदर साथ को कहा था कि परसों अर्थात अब आने वाला जो कल है वो घुंघरू के प्रसाद का है, तो सभी सुंदर साथ जिनके मन में भी भोग लगाने की इच्छा है आप अपने घर से भोग तैयार करके ला सकते हैं। इसलिए मैंने 5-7 मिनट पहले ही इस प्रसंग को समाप्त किया है। अभी के लिए हम सब मिलकर के चौपाई दोहराते हैं। इन भांत एक दिन हुआ ध्यान में दर्शन, जाने हम ब्रज में गए द्वार नंद के रोशन, द्वार नंद के रोशन। बोलो श्री प्राणनाथ, बोलो श्री सद्गुरु महाराज।